तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो टाटा आईपीएल 2022 का आज के दिन का एकमात्र मैच और टूर्नामेंट का फिफ्थ मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेज राजस्थान रॉयल्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ, देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहेगी ना वो भाई यहाँ पर रहेगी दोनों टीम्स की क्या प्लेइंग 11 रहेगी। ठीक है, प्लेइंग 11 में आपको थोड़े बहुत चेंजेस यहां पर देखने को मिलेंगे क्योंकि दोनों टीम्स ने ऑलमोस्ट काफी सारे प्लेयर अपने चेंज कर दिए हैं, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और यहां पर एक और दो मैं ऐसे जीएल के प्लेयर बताऊंगा जिसको लेकर आप इजीली काफी अच्छी विनिंग कर जाओगे। कल भाई मोहम्मद शमी को मैंने क्लियरली बोला था कि आपके लिए जीएल में सबसे बेस्ट रहेगा, और अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है ना तो भाई 100% आप कैप्टन करके जाओगे। ठीक है, वीडियो अभी चैनल पर है, आप जाके देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब यार ये नहीं होता यहाँ पे कि भाई मतलब कुछ भी बोलो और फिर बाद में कुछ भी बताओ, जैसे बड़े बड़े फैंटेसी एक्सपर्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार आप जाके वीडियो चेकआउट कर ले, जो बोलता हूँ वही बताता हूँ। ठीक है, तो जाके आप ट्राई कर लेना। और राशिद खान के बारे में मैंने क्लियरली बोला था कि वो फ्लॉप होगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग आएगी ना तो उसके ऊपर मतलब उसको रेस्पेक्ट दे के ईजिली निकाल देते हैं। अगर सेकेंड इनिंग में थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर बना देती है यहाँ पर सामने वाली टीम, तो भाई मतलब इनकी टीम तो भाई सामने वाली टीम के ऊपर थोड़ा दबाव रहेगा और भाई उस टाइम ये विकेट लेके जा सकता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती है जो भाई आपको यहाँ पर सिर्फ आपका भाई बताता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए भाई, इस मैच की जो भी अभी मैं बात करूँगा ना वो अभी तक के बारे में होगी। ठीक है, इसके बाद भाई कोई अगर प्लेयर इंजर्ड होता है, कुछ प्लेयर अगर एंट्री होती है, एग्जिट होता है, कुछ भी होता है, तो उसकी अपडेट मैं आपको सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। आपको टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए भाई यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे ना तो यहां पर आपको देखो सीधा सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आप सीधा मतलब रिडायरेक्ट होकर टेलीग्राम पर आप आ जाओगे। ठीक है, आपको यहां पर क्लिक करना है। काफी लोगों को यह भी नहीं पता होता कि भाई डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो उन भाइयों के लिए मैं बता रहा हूं। यहां पर यह जो एरो का निशान है ना, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा, यहां से भाई टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल के जस्ट नीचे ये जो 5 एप्लीकेशन के लिंक है ना, ये 5ों एप्लीकेशन आपके फोन में होनी बहुत जरूरी है क्योंकि आईपीएल का टाइम है भाई। डेली मैं आपके लिए यहां पर फ्री गिव अवे लेके आ रहा हूं, डेली की डेली। ठीक है, यहां पर हर मैच में आपको कम से कम 40 से 50 हजार रुपए का गिव अवे मिल रहा है। तो अगर आप एक दिन में 40 से 50 हजार रुपए में फ्री में विन करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो भाई मेरे हिसाब से आपको चांस मिस नहीं करना चाहिए। आज की अगर बात करें तो माई फैब 11 पर सिर्फ इस एप्लीकेशन पर 1 लाख रुपए का गिव अवे है, सिर्फ इस एप्लीकेशन पर 1 लाख रुपए का गिव अवे है। ठीक है, जाके अभी के अभी भाई आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। रेफर कोड जो आपको डालना है वो है भाई यहाँ पर कार्तिक पीएम, ये आप डालोगे तभी आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट होने का मौका मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी भाई पहली बार चैनल पर आए हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहां से भाई आप लाइक वाले बटन के ऊपर क्लिक करके लाइक कर सकते हो, यहां से भाई सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो यहां से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए भाई अब यहां से भाई बात कर लेते हैं मैच के स्टैट्स की। तो ये भाई फोर्थ वेन्यू है, जो 4 वेन्यू बीसीसीआई की तरफ से अनाउंस किए गए थे उसमें से ये फोर्थ वेन्यू है। ये भाई आखिरी वेन्यू, इसके अलावा भाई जो 3 वेन्यू उन पे ऑलरेडी मैच हो चुके हैं, इस वेन्यू पर अभी तक एक भी मैच नहीं हुआ है इस सीजन में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में मैच खेला जाएगा। पिच की अगर बात करें तो अच्छी खासी बैटिंग विकेट है, बाउंड्री थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर टाइमिंग वाले बैट्समैन ज्यादा अच्छे रहेंगे, नोट कर लिया करो भाई। देखो बाद में याद नहीं रहती बातें, मैं खुद बोलता हूँ मेरे को भी याद नहीं रहती भाई बातें, नोट कर लिया करो। अगर नोट नहीं करोगे ना तो भाई दिक्कतें आपके लिए आने ही वाली है। ठीक है, आप कॉपी पेन लेके बैठो। देखो भाई अगर आप अपने पैसे लगा रहे हो और भाई अगर आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं भाई पैसे लगाने का। तो यहां से आप ये चीज नोट कर लीजिए, जो भी टेक्निकली साउंडेड बैट्समैन है उनको आप यहां पर ट्राई करना क्योंकि यहां पर जो बाउंड्री है ना वो लंबी जरूर है लेकिन भाई ढलान में है। ठीक है, यानी कि अगर बॉल एक बार मान लो गैप में से निकल गया ना तो भाई इजिली यहां पर चौका मिल जाएगा। ठीक है, हाँ हालांकि सिक्स मारना इतना ईजी नहीं रहेगा क्योंकि यहां पर जो बाउंड्रीज है वो थोड़ी सी बड़ी है अगर बाकी ग्राउंड से कंपेयर करें तो उनके जगह। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वेन्यू के रिकॉर्ड्स की बात करें तो भाई 38 मैच यहां पर टोटल खेले गए, 18 मैच बैटिंग फर्स्ट और 20 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने विन किए। लेकिन भाई इस टाइम ड्यू यहां पर काफी ज्यादा होती है तो अभी तक जो 3 ग्राउंड हुए उन तीनों पर भाई यहां पर ड्यू का इफेक्ट देखने को मिला है। इस ग्राउंड पर देखते हैं भाई अभी तक जो 4 मैच हुए उसमें भाई टॉस जीतो मैच जीतो वाली कहानी चल रही है, अब यहां पर देखते क्या होता है क्या नहीं। हाई स्कोर की बात करें तो भाई यहां पर सीएसके ने बनाया था 211 रन पर 4 विकेट, लोवेस्ट स्कोर भाई पंजाब किंग्स का यहां पर 23 रन 73 रन पर 10 विकेट। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो भाई
150 से नीचे का स्कोर 10 बार बनाए, 150 से 170 के बीच का स्कोर 14 बार बनाए, और 170 से 190 के स्कोर की बात करें तो 10 बार बनाए, और 190 प्लस का स्कोर यहाँ पर 4 बार आपको बनता हुआ दिख जाएगा। वहीं अगर बात करें हेड टू हेड मैचेस की, तो यहाँ पर आप देखोगे कि टोटल 15 मैच खेले गए, 8 मैच बैटिंग, सॉरी भाई बैटिंग फर्स्ट निकल रहे मेरे मुँह से, 8 मैच भाई यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद ने जीते और 7 मैच यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने जीते। लेकिन ये कुछ भी मैटर नहीं करता, चाहे यहाँ पर 15 मैच के 15 मैच एसआरएस ने विन कर रखे हो या फिर राजस्थान ने, क्योंकि मेगा ऑक्शन हुआ है, टीम चेंज हुए, तो भाई यहां पर ये स्टेट्स मैटर नहीं करते। जब प्लेयर चेंज हो जाते हैं तो भाई यहां पर ये स्टेट्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। हैदराबाद की प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस प्लेयर्स के स्टेट्स की बात करें तो ये मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, इनके कोच ने यहां पर ये क्लियर कहा था कि भाई, मतलब अभी नहीं, रिसेंटली नहीं, बट थोड़े टाइम पहले कहा था कि मतलब उनकी तरफ से अभिषेक शर्मा और विलियमसन ओपन करेंगे, ठीक है, तो यहां पर राहुल त्रिपाठी वन डाउन आ सकता है, ठीक है। बट जितना मेरे को लग रहा है, मेरे हिसाब से भाई केन विलियमसन है ना, या तो भाई मतलब खुद तो ओपन मुश्किल ही करेगा जितने चांस है, क्योंकि यार उसको अपनी टीम बनानी होती है, तो यहां पर भाई वो इन दोनों को ओपन भेज सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये और सबसे बड़ी बात भाई, यहां पर सीन एबोट अभी अवेलेबल नहीं है सिलेक्शन के लिए, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहां पर अगर बात करें केन विलियमसन की, इनके स्टैट्स की, तो भाई स्टैट्स आप देख सकते हो, राहुल त्रिपाठी 62 मैच 13-85 रन, लास्ट सीजन काफी अच्छा रहा था। अगर लास्ट 5 मैच के स्कोर की बात करें तो 56-123-0-0-2 ये इनका डोमेस्टिक का स्कोर है। अभिषेक शर्मा की बात करें तो भाई 22 मैच खेले, 241 रन है, 7 विकेट, कभी कभी गेंदबाजी कर लेता है, मोस्टली भाई हर मैच में गेंदबाजी नहीं करता, बट भाई 2-3-4 मैच में, 1-2 मैच में गेंदबाजी कर जाता है, ठीक है। लास्ट में अगर लास्ट 5 इनिंग की बात करें तो भाई 1-15-24-20-98, ठीक है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर केन विलियमसन की, तो यहाँ पर 63 मैचेज में भाई यहाँ पर 1885 रन है, लास्ट अगर 5 इनिंग की बात करें तो भाई 18-24-85-40, ठीक है। निकोलस पूरन के ऊपर भाई काफी अच्छे खासे पैसे खर्च किए, इनको भाई एज ए फिनिशर टीम में लेके आए, तो भाई इनके अगर ओवरऑल स्टेट्स देखें तो भाई इतने अच्छे नहीं है, यहाँ पर 33 मैच में 606 रन है। अगर भाई लास्ट के 5 मैच की बात करें तो 61-62-61-34-9, ठीक है, ये इनके लास्ट 5 मैच का स्कोर रहा है। एडन मार्करम की बात करें तो भाई यहाँ पर गेंदबाजी कर मतलब अच्छी खासी कर लेते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर आपको शायद गेंदबाजी ना करते नजर आए। और एक बात और भाई, पिच के बारे में आपको बताना भूल गया, यहाँ पर कहाँ पे गए पिच रिपोर्ट, यहाँ पर एक चीज़ और आप नोट कर लेना, ठीक है, बड़े ग्राउंड है ना, तो यहाँ पर स्पिनर्स के अगर हिटिंग के लिए जाएंगे तो स्पिनर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे और विकेट लेके जा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर आगे एडन मार्करम की, तो यहाँ पर 6 मैच में 146 रन है, 0 अगर लास्ट 5 इनिंग की बात करें तो 0-70-5-42-14, ठीक है। अब्दुल समद की बात करें तो भाई यहाँ पर एक अच्छा खासा हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और बॉलिंग का भी ऑप्शन आपके लिए लेके आएगा, कंफर्म भाई 2-3 ओवर करवा सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 23 मैच 284 रन और 2 विकेट इन्होंने निकाल रखे हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर अगर इनकी मतलब लास्ट 5 इनिंग की, तो 29-28-3-70-103 भाई इनकी लास्ट की 5 इनिंग रही है। वाशिंगटन सुंदर की बात करें तो भाई 42 मैच में 217 रन है और भाई यहाँ पर 27 विकेट भी है। लास्ट 5 इनिंग की बात करें तो भाई 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। रोमारियो शेफर्ड भाई बहुत ही अच्छा हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और भाई इसको कभी भी ऊपर प्रमोट किया जा सकता है, और भाई 4 ओवर कंप्लीट करेगा, डेथ ओवर में गेंदबाजी करवाएगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा आपके लिए। यहां पर देखो जो इनके मतलब अभी तक के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट थे ना, वो भाई यहां पर थे भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन, ठीक है। लेकिन भाई इस बार यहां पर रोमारियो शेफर्ड भी भाई अपनी टीम के लिए डेथ में गेंदबाजी करता है, तो भाई यहां पर रोमारियो शेफर्ड को भी मौका दिया जा सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी 1-2 मैच हो जाएंगे ना, उसके बाद कंफर्मेशन मिल जाएगी, बट अभी के लिए मैं इसे मतलब मिडिल ओवर्स का गेंदबाज करके चल रहा हूं, बाकी देखते भाई क्या पता डेथ में भी आपको करता नजर आ जाए अगर इनमें से किसी का दिन अच्छा ना हुआ तो, ठीक है। 17 मैच में 146 रन 14 विकेट, लास्ट अगर 5 इनिंग की बात करें तो सिर्फ 3 विकेट निकाले। वहीं अगर बात करें भुवनेश्वर कुमार की, तो भाई 132 मैच में 142 विकेट है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज है, स्टार्टिंग से एसआरएच के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर इनकी लास्ट के 5 इनिंग की, तो देख सकते हो आप यहाँ पर 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। टी नटराजन की बात करें तो यहाँ पर 24 मैच में 20 विकेट है, लास्ट सीजन मतलब लास्ट के 1-2 सीजन में अच्छा खासा मतलब यहाँ पर इंप्रेस किया। अगर बात करें यहाँ पर इनके ओवरऑल स्टेट्स की, तो 24 मैच में 20 विकेट और यहाँ पर लास्ट 5 इनिंग की बात करें तो भाई 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। उमरान मलिक भाई स्पीड मतलब ये मान लो कि काफ़ी ज़्यादा है और अभी इसे इंडिया का फास्टेस्ट बॉलर कहा जा रहा है, 150 से ऊपर की गेंदबाजी
इजीली कर जाता है, तो आपके लिए एक अच्छा खासा विकल्प रहेगा। कभी भी इसको ऊपर मतलब दबाव मतलब किसी भी बैट्समैन के ऊपर दबाव बना सकता है और अच्छे खासे विकेट ले सकता है। जीएल में अगर आप इसको नहीं लेके गए तो भाई आप सबसे बड़े बेवकूफ कहलाओगे, चाहे फ्लॉप हो जाए चाहे 4 ओवर में 70 रन दे जाए और विकेट भी ना लेके जाए, ठीक है। बट जीएल में आपके में हर मैच में होना चाहिए, हर मैच में जितने मैच खेलेगा ना जीएल में आपकी टीम में जरूर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई प्लेयर खेलता नजर आएगा तो उसके स्टेट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा और फाइनल टीम भी भाई आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। इसके अलावा भाई 6 ग्रैंड लीग की टीम मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर राजस्थान की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो भाई यहाँ पर मेरे हिसाब से सारे प्लेयर सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है, फिर भी अगर कोई न्यूज सामने आती है तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा। यहाँ पर ओपनिंग की बात, यहाँ पर देखो भाई इनके पास ओपनर मतलब टॉप ऑर्डर के बैट्समैन काफी ज्यादा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर रहेगा। इनकी लास्ट ईयर की ओपनिंग जोड़ी ये थी, तो ये आप देख सकते हो यशस्वी जायसवाल 13 मैच 289 रन, लास्ट अगर 5 इनिंग की बात करें तो 0-19, 61, 41 और यहाँ पर 5 रन बनाए। जोश बटलर जोश द बोस अगर बात करें इनकी तो 65 मैच में ऑलमोस्ट 2000 रन है और यहाँ पर लास्ट 5 इनिंग की बात करें तो पूरे तरीके से फ्लॉप रहे, लेकिन भाई आईपीएल में इनका बल्ला बोलता है और काफी अच्छे तरीके से बोलता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें देवदत्त पाडिकल की, तो भाई ओपनिंग के लिए ये भी अच्छे खासे दावेदार रहेंगे। इसके अलावा संजू सैमसन भी ओपनिंग करते हैं, तो ये 4 ओपनर आप देखो भाई कहाँ पे कौन खेलेगा। संजू सैमसन मेरे हिसाब से भाई फिक्स है, नंबर 4 पर ही आपको खेलते नजर आएंगे। देवदत्त पाडिकल और जोश बटलर में से कोई एक ऊपर नीचे हो सकता है। यशस्वी जायसवाल भाई कन्फर्म इन्होंने कर दिया था इनकी टीम मैनेजमेंट ने कि यशस्वी जायसवाल ओपनिंग ही करेगा, इनके साथ का पार्टनर डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो जोश अगर या तो भाई यहाँ पर खेलेंगे नंबर मतलब ओपनिंग करेंगे या फिर भाई नंबर 3 पर संजू सैमसन आ जाएंगे और नंबर 4 पर भाई जोश बटलर आ सकते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देवदत्त पाडिकल की बात करें तो भाई आप देख सकते हो 29 मैच में 884 रन और बहुत ही गजब का प्लेयर है, ठीक है। वहीं अगर बात करें वही अगर बात करें लास्ट की 5 इनिंग की, तो भाई एक बड़ी इनिंग काफ़ी बड़ी इनिंग आई हुई है बिल्कुल लास्ट वाली, 178 रन इन्होंने बनाए थे अभी डोमेस्टिक लेवल पर, 8 रन और 49 रन, 21 रन और 4 रन इन्होंने बना रखे हैं। संजू सैमसन की अगर बात करें तो भाई संजू सैमसन ने यहाँ पर 121 मैच में 3068 रन बनाए और भाई यहाँ पर अगर बात करें तो 18, 39, 2, 33, 0 ये इनकी लास्ट की 5 इनिंग रही है। सिमरन एटमायर भाई अच्छी खासी हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे और भाई इनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है ना ये लंबा खेलने वाले बैट्समैन है, तो अगर एक मतलब बहुत ही खतरनाक वाला कोलैप्स ना हो तो भाई इनकी बैटिंग मतलब बिल्कुल ये मान लो कि 3-4 ओवर बचेंगे तब आएंगे, तब भाई कोई मतलब फायदा रहेगा नहीं, तो आप इसे जीएल मिनी जीएल में ट्राई करो, स्मॉल लीग में आप ड्रॉप करके चल सकते हो, ठीक है। रियान पराग की बात करें तो अच्छा खासा प्लेयर है और यहां पर भाई बॉलिंग का भी ऑप्शन आपके लिए लाएगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। यहां पर 30 मैच में 339 रन, लास्ट की 5 इनिंग की बात करें तो भाई 350 के आसपास का 250 और 150 के आसपास का स्कोर है। वहीं अगर बात करें जिमी निशाम की, तो 12 मैच में 8 विकेट 61 रन, अभी भाई बैटिंग बॉलिंग दोनों से इंप्रूव करना बचा हुआ है, तो अगर भाई यहां पर ये देखो बॉलिंग अगर करवाएंगे तो मे भी भाई ये आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करवाते नजर आ सकते हैं, बट मे भी भाई यहां पर डेथ ओवर्स के जो गन बॉलर इनके रहेंगे वो ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा रहेंगे, लेकिन भाई फिर भी यहां पर जिमी निशाम को मौका दिया जा सकता है। रविचंद्रन अश्विन भाई यहां पर 167 मैच 145 विकेट, लास्ट की अगर बात करें 5 मैच की, तो आप देख सकते हो यहां पर भाई 12 विकेट निकाल चुका लास्ट के 5 मैच में, 2 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 0 विकेट। यूजी चहल की बात करें तो आप देख सकते हो यहां पर भाई 114 मैच में भाई 139 विकेट इन्होंने निकाल रखे, लास्ट के अगर 5 मैच की बात करें तो भाई इन्होंने 8 विकेट निकाल रखे हैं। ट्रेंट बोल्ट की बात करें तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो 62 मैच में 76 विकेट है, लास्ट के 5 मैच की बात करें तो भाई 9 विकेट इन्होंने निकाल रखे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा भाई अभी डोमेस्टिक लेवल पर बहुत ही कुछ करके आ रहा है, बहुत कुछ करके आ रहा है, ठीक है। 34 मैच में 30 विकेट है, कलकत्ता की तरफ से खेलता था, अब की बार भाई राजस्थान की तरफ से खेलेगा। यहाँ पर अगर बात करें इनकी, तो भाई आप देख सकते हो लास्ट के 5 मैच में कितने विकेट है भाई, 2 विकेट 3 विकेट 4 विकेट 6 विकेट और भाई यहाँ पर 3 विकेट, 3 और 3 6 और 6 12 और 6 18 विकेट भाई लास्ट के 5 मैच में निकाल रखे, तो बहुत ही गजब का प्लेयर आपके लिए रहने वाला है। तो ऑलमोस्ट भाई मैंने सारे प्लेयर्स के स्टैट्स कवर कर दिए, अब मैं आपको एक डेमो टीम प्रोवाइड करवा देता हूं जिसके साथ आप अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उससे पहले भाई एक बार मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। देखो भाई 5000 रुपये का गिव अवे आपके लिए चल रहा है यहां पर 11 चैलेंजेस एप्लीकेशन पर। इसके अलावा भाई 20000 रुपये का गिव अवे आपके लिए चल रहा है विजन 11 एप्लीकेशन पर। इसके अलावा अगर बात करें तो 10000 रुपये का गिव अवे चल रहा है भाई स्पोर्ट एसी एप्लीकेशन पर। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर 1,00,000 रुपये का गिव अवे आपके लिए चल रहा है माई फैब 11 पर। तो भाई 5 एप्लीकेशन पर आपके लिए गिव अवे, टोटल गिव अवे की बात करें तो 1,35,000 रुपये का गिव अवे इस मैच में चल रहा है, तो जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर विनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो
वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे। सॉरी भाई मैं अभी डेमो टीम दी नहीं है, मैं भूल गया, तो डेमो टीम मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से डेमो टीम के साथ आप अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप कमेंट करके जरूर बताना कि इन दोनों में से फेवरेट टीम आपकी कौन सी है और आज कौन सी टीम आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें जोश बटलर भाई, शायद मतलब ओपनिंग करते नजर आए या ना करते नजर आए, तो अभी के लिए मैं इन्हें ड्रॉप करके चलूंगा। यहाँ से निकोलस पूरन को अपनी टीम में रखूंगा और यहाँ से संजू सैमसन को अपनी टीम में रख रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से बात करें तो भाई केन विलियमसन मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, राहुल त्रिपाठी हमारी टीम में रहेंगे, देवदत्त पाटीकल को आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा वांडर डसन अगर खेलते हैं तो भाई इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर अवेलेबल होंगे तो भाई यहाँ पर खेलेंगे और खेलेंगे तो भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ग्लेन फिलिप्स भी आपको नजर आ जाएंगे, लेकिन शायद स्टार्टिंग की टीम में आपको ना नजर आए। यहाँ से एसएससी जायसवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये भाई मेरी टीम अभी के लिए, यहाँ पर ये मेरे बैट्समैन रहेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो भाई एडन मार्करम इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके अलावा भाई डार्सी मिशेल अगर खेलता है तो आपके लिए गजब का प्लेयर रहेगा, ठीक है, अगर अवेलेबल होगा तो। इसके अलावा भाई वाशिंगटन सुंदर को आप ट्राई कर सकते हो, मैं अभी रोमारियो शेफर्ड के साथ जा रहा हूँ। बात करें अगर बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ से भाई यूजी चहल और ट्रेंट बोल्ट और नीचे भाई अगर हम चले तो प्रसिद्ध कृष्णा, ये तीन भाई मेरे जो अभी गेंदबाज रहेंगे। इसके अलावा उमरान मलिक, टी नटराजन, इनको आप जीएल में जरूर से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी टीम पहले बॉलिंग करे उनके भाई फास्ट बॉलर्स को आप जीएल में जरूर ट्राई करना, क्योंकि डेथ ओवर में विकेट निकाल के लेके जा सकते हैं। सीवीसी की बात करें तो कैप्टन भाई यहाँ पर मेरे केन विलियमसन रहेंगे। वीसी की अगर बात करें तो भाई यहाँ से मैं संजू सैमसन के साथ जा सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ से देवदत्त पाटीकल अच्छे खासे ऑप्शन हमारे लिए होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं देवदत्त पाटीकल के साथ जा रहा हूँ, बाकी फाइनल टीम में आपको मैं मेरे सीवीसी बता दूंगा। टीम के अगर प्रीव्यू की बात करें तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ से, तो कुछ इस प्रकार की टीम भाई अभी के लिए हमारी होने वाली है। बाकी फाइनल टीम की फाइनल अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही पता लगेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अभी के अभी आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।